आपको एक खास बात बताती हूँ, किसी भी इम्पोर्टेंट जर्नी पर जाना है तो क्या पहनना है, क्या करना है ताकि जर्नी बिल्कुल परफेक्ट रहे, काम बन जाए, ये बताती हूँ। घर से बाहर निकलने से पहले आप ऐसा क्या करें कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल रहे, ये खास इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। जब आपको इम्पोर्टेंट जर्नी पर निकलना है तो संडे के दिन ब्लू कपड़े पहनकर और मिश्री के साथ में पान खाकर, सिर्फ पान का पत्ता अंदर मिश्री डालकर, या अगर आप पान नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़ लिया, साथ में मिश्री खाकर घर से निकले, काम ज़रूर सक्सेसफुल होगा। मंडे को अगर आप काम पर जाते हैं तो ग्रीन कलर के कपड़े पहने और खीर खाकर काम पर जाएं, देखिए काम कैसे बनता है। ट्यूसडे को काम पर जाना है तो रेड कपड़े पहने और धनिया, सूखा धनिया का बीज या धनिया के पत्ते खाकर काम पर जाएं, काम झट से बनेगा। वेंसडे को अगर किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाना है या लॉन्ग जर्नी पर जाना है तो पीले रंग के कपड़े पहने और मिठाई खाकर आप काम पर निकलें और देखिए आपका काम कितने परफेक्ट तरीके से बनेगा। थर्सडे को किसी काम पर जाना है, इम्पॉर्टेंट जर्नी पर जाना है तो वाइट कलर के कपड़े पहने और दही खाकर जाएं। जर्नी कैसी भी हो सकती है, लॉन्ग शॉर्ट, ये काम कर लीजिए, वो काम सफल होगा। फ्राइडे को अगर आपको किसी इम्पॉर्टेंट जर्नी पर जाना है, किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाना है, वाइट कपड़े पहनकर जाएं और मक्खन या दूध पीकर घर से निकलें, देखिए काम कैसे बनता है। सैटरडे को काम पे जाना है तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने और तिल, वाइट तिल या ब्लैक तिल खाकर जाएं और देखिए काम झट से बनेंगे। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसको निकालने की टेक्निक बताती हूँ। रोज सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल दिया करें। इसके बाद उस जल में, जब आप जल देते हैं तो जल में 11 बीज लाल मिर्ची के डाल दें, सूखी वाली लाल मिर्ची के 11 बीज डाल दें। पानी अर्पण करते हुए सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें, साथ ही में ओम आदित्याय नमः का जाप किया करें। आपके पैसे आने की संभावना बन जाएगी और आपके पैसे कहीं कोई डूबेंगे नहीं। और अगर आपको अर्ली ग्रेइंग बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है, चलिए इसे दूर करते हैं। बालों को सफ़ेद होने से रोकना है तो कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोज़ाना सिर में अनियन का पेस्ट लगाएं। आपको लगाने में तो बड़ी मुश्किल होगी लेकिन यकीन मानिए ये जादुई तरीके से काम करता है। इसके अलावा नींबू के जूस में आंवला पाउडर मिलाकर सिर में लगाने से बाल काले होने लगते हैं। पहले ज़माने में तो हेयर डाई नहीं थी तो लोगों के बाल तो तब भी सफ़ेद होते थे, वो क्या करते थे, वो आंवला लगाते थे। मैं आपको नेचर की तरफ वापस लेकर जा रही हूँ। डाइट में भी कुछ चेंजेस करें, तिल खाएं, इसका तेल भी बालों को लगाते हैं तो बाल काले होते हैं। आधा कप दही में चुटकी भर काली मिर्च और एक चम्मच नींबू का जूस लगाकर मिलाकर बालों में लगाएं। इससे भी आपके बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बाल सफ़ेद होने बंद हो जाते हैं। कटहल जो है वो सब्जियों के तौर पे भी यूज़ होता है और पक जाने पे फ्रूट्स के तौर पर भी लोग खाते हैं, लेकिन कटहल किसी भी तौर पर खाया जाए वो बहुत फ़ायदेमंद है। नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए इसके फ़ायदे, इसके गुण के बारे में आपको बताती हूँ। कटहल में कितने गुण हैं आपको ये बताती हूँ। 100 ग्राम्स कटहल में, मतलब सिर्फ 100 ग्राम कटहल में 303 मिलीग्राम पोटाशियम, 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और थायमिन 0.18 ग्राम्स होता है, विटामिन बी 37 ग्राम, मैग्नीशियम 94 कैलोरी। इसके फ़ायदे क्या हैं? आपको अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर में कटहल में जो पोटेशियम होता है ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है। डायरिया और दमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन सी की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हैं जो पेट के अल्सर की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। कटहल को आप सब्जी अचार के फॉर्म में भी खा सकते हैं। अचार के फॉर्म में टैंगी लगता है, इंटरेस्टिंग है और डेली भी खाया जाता है। उंगलियों का जादू, आपकी फिंगर्स आपको कैसे हेल्दी रख सकती हैं ये बताती हूँ। आज मैं आपको आकाश मुद्रा के बारे में बताऊँगी। आकाश मुद्रा कैसे बनेगी? अपने मिडिल फिंगर को अंगूठे के फ्रंट पार्ट से लगाएं इस तरीके से, बाकी उंगलियों को सीधा रखें, बस ऐसे करना है, कुछ नहीं, मेरा शो देखते हुए ही बैठ जाया करें ऐसे। इससे क्या होगा, कान की प्रॉब्लम,
कान में आवाज़ें आनी बंद हो जाती, कई बार नहीं कानों में किचकिच होती है, तो चुपता है, ये प्रॉब्लम ख़त्म होती है।